देखिए मैं अपने दोनों बच्चों में आने वाला राजीव दीक्षित देखती हूँ, आप सब में राजीव दीक्षित देखती हूँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी में राजीव दीक्षित देखती हूँ। ये क्रांति है, ये क्रांति अब रुकेगी नहीं। सरकार ने हमको छेड़ दिया है और छेड़ गया पूरी बखिया उधेड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको यहाँ पे देख के लगता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, यहाँ पे कोरोना वायरस वगैरह कुछ है ही नहीं। आपको हिंदी आती है? थोड़ा। आप कहाँ से सीखे हिंदी? बस ऐसे गली गली में सीख लिया आपने। यहाँ पे कोरोना नहीं है? कोरोना यहाँ कोरोना नहीं है। अभी देख यार कैसे बैठे हैं हम लोग। अगर ऐसे कोरोना ऐसे बैठेगा? नहीं 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 बैठेगा, ऐसे बैठेगा। यहाँ मैं उधर हूँ, शायद दिन में कोरोना नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है साइडलाइन में। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुसाफिर की दुनिया में आपका वापस से स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मैं इस वक्त हूँ जंजीबार स्टोन टाउन, जो कि जंजीबार स्टोन टाउन जो है वो जंजीबार की कैपिटल है। तो मैं वहीं पर हूँ अभी फिलहाल। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, कुछ काम वगैरह कर रहा था। अब आज इस शहर को देखने के लिए पहली बार निकला था। हालांकि मैं रोज़ जाता था खाना पीना खाने के लिए, तो देखता था। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर मास्क बैन है, लाइक पूरे तंजानिया में मास्क बैन है। तो जो तंजानियन गवर्नमेंट है वो इस कोविड को प्रोपेगेंडा समझती है काफ़ी सारे देशों के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ बैन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप किसी भी बंदे को, अरे यार यहाँ पर आवाज़ ऐसा करता है, क्या बताऊँ। ये पीपी फोन मुझे साइबेरिया में, ये पीपी और हॉर्न वगैरह मुझे सर्बिया में देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ आते ही मतलब सब कुछ वही चिल्लाने लगा। यार मुझे एक माइक लेना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा यार। वैसे मैं अभी हूँ एक बाजार में, मैं हूँ स्टोन टाउन। जो जंजीबार है काफ़ी मतलब रिच हिस्ट्री है इसकी। जंजीबार के बारे में मैंने थोड़ा मोटा पता किया था, तो ये एक स्लेव मार्केट हुआ करता था। और जंजीबार में तीन कंट्रीज का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ओमान का, और दूसरा है अफ्रीका ऑफ कोर्स, और तीसरी जो कंट्री है आपको जान के आश्चर्य होगा वो है इंडिया। आपको यहाँ पे काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो कि अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, एटलीस्ट टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं, काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे। और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि काफ़ी एकदम फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। और बॉलीवुड की बात करें तो पूरी तरह से फेमस है, यहाँ पे लोग सीरियल्स देखते हैं रात के बैठ के। और ये है एक छोटा सा मार्केट अफ्रीका का, मतलब हमारे तो बिल्कुल इंडिया जैसा लगता है अगर आप देखो तो। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सामने, इसे कहते हैं स्टोन टाउन। स्टोन टाउन लाइक जब ओमान का जब सुल्तनत जब यहाँ पर आया था, एक्चुअली ओमान का सुल्तनत यहाँ पर सुल्तान लाइक ओमान का जो मस्कट से मूव करके यहाँ पर आ गया था और इसी स्टोन टाउन में रहा करता था। तो वही स्टोन टाउन है, स्टोन टाउन इसका नाम है कि पहली बार जो इस वाले पार्ट में जो जंजीबार आइलैंड में कुछ टाउन बनी थी, कोई सेफ नहीं है किधर से भी आप निकल जाओ। तो पूरी तरह से कोई सिटी प्लान वगैरह नहीं था इस स्टोन टाउन में। हालांकि देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पे पीछे से लोग हाँ हेलो कर रहे हैं। चलो थोड़ा मैं कैमरा को लंबा कर लेता हूँ, ज़्यादा दिखेगा। और सच कहूँ तो यार काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे यार, काफ़ी ह्यूमिड है ये वातावरण। टेम्परेचर 26-27 के आसपास होगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, खास करके जो ह्यूमिड है पसीना चलने लगता है यार। खास करके जो मेरे बाल बड़े हो गए, मुझे कुछ लेना पड़ेगा। मुझे बाल कटवाने का मन तो नहीं है इस बार, क्योंकि बड़े पैसे जाते हैं बाल कटवाने में। और ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जंजीबार आइलैंड की, स्टोन टाउन की।
ये स्टोन टाउन पहली बार इस जंजीवार सिटी में स्टोन टाउन बना था और इसकी कैपिटल भी है ये। और इसको बनवाया था सुल्तनत ने, लाइक ओमानी लोगों ने बनवाया था यहाँ पर रहने के लिए। और पहली बार किसी इस आइसलैंड में जो घरें बनी थी वो जनरली ईंटे पत्थर की बनी थी, जिसका नाम स्टोन टाउन है। पहले यहाँ पे लोग पाम ट्रीज पे, जो पाम ट्रीज होती थी वहाँ पे ऐसे रहते थे। पहली बार मैंने यहाँ पे मैंगो भी देखा था। हाउ मच फॉर द मैंगो? 2000 फॉर वन ऑल? ओके, सो इट्स क्वाइट चीप। लाइक 2000 का मतलब होता है अराउंड 2300 का जो मतलब होता है एक डॉलर होता है, तो 2000 का मतलब मेरे हिसाब से 60 रुपए के आसपास बनता है। तो यहाँ पर आम सस्ता है, चलिए काफी सस्ता आइसलैंड है। काफी सस्ता आइसलैंड है यार, मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री आई हैव बीन टू। और यहाँ पर इंडियन कंपनी की बात करें तो तीन बड़ी इंडियन कंपनी फेमस है, एयरटेल और टीवीएस काफी फेमस है, ये दोनों इंडियन कंपनी ही है। और इंडियंस भी काफी यहाँ पर आए थे, ये इंडियंस के लिए, जो इंडियंस जो ट्रेडर्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वहां पर ये आए थे और काफी लोग यहाँ पे बस गए हैं। तो यहाँ पे काफी पॉपुलेशन इंडियन भी है, आई मीन हिंदू भी है, और हिंदू और थोड़े थोड़े मुस्लिम्स भी, इंडियन मुस्लिम्स भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे एक राम मंदिर भी है और एक जैन मंदिर भी यहाँ पर देखा मैंने। तो मंदिर यहाँ पर हैं, हिंदू पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी यहाँ पर है। यहाँ पे जो मेन रिलीजन है मुस्लिम्स, काफी ज्यादा मतलब मेजोरिटी मुस्लिम्स ही है, उसके बाद हिंदूज हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर। तो तीन मेन रिलीजन है यहाँ पर। और जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ पर स्वाहिली है, स्वाहिली जो लैंग्वेज जो होती है वो ईस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है, जो कि केन्या में बोली जाती है और अफ्रीका में बोली जाती है, आई मीन तंजानिया के मेनलैंड में बोली जाती है। ये जो मेनलैंड से वहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर थोड़ा ईस्ट कोस्ट के, जो तंजानिया का मेनलैंड है इसके ईस्ट कोस्ट से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है ये। और यहाँ से जाने के लिए आप तंजानिया जो कैपिटल सिटी है दर एस सलाम, वहाँ से आप बाय फेरी जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, बिल्कुल इंडिया की तरह है। घड़े देखो यार, छोटी छोटी मिट्टी वाले घड़े भी हैं यहाँ पर। और ये यहाँ का लोकल बाजार है जो कि टूरिस्ट के लिए काफी फेमस है, और इसे कहते हैं डाला डाला, यहाँ की लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसलिए भी डाला डाला है। ये जाती है नुंगवी, एक जगह है, ये जाती है डोंगे, ऐसे जगह मैं कल जाऊँगा हो सके तो। अब गाड़ी चाइनीज है यार, चाइनीज में सब कुछ लिखा हुआ है। भैया कैसे हो आप? ठीक है, ठीक है। सो माई फ्रेंड कैन यू हेल्प मी 1000 प्लीज, आई गोइंग टू फाइंड सम फूड। नो नो थैंक यू, आई डोंट हैव। दे यू रिमेंबर चेकिंग फॉर मी, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, गिव यू विदाउट पे फॉर फ्री, थैंक यू। सो यू माइंड अबाउट 1000? यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप काफी लोग पैसे मांगते हैं यार। मैंने तो जब शुरू में आया तो मैं चलो मुझे बोला कि दे देता हूँ 2-3 डॉलर, 1-2 डॉलर, क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार काफ़ी लोग तो पैसा मांगने लगते हैं, मतलब क्या बताऊँ यहाँ पे, ये पैसे मांगने वाला कल्चर बड़ा मुझे बेकार लगा यहाँ पे। लेकिन क्या बताऊँ, मतलब कोई भी लोग मिलो हाय हेलो करो तो तुरंत पैसा मांगने लगता है यहाँ पे, कुछ 1000 रुपये, 1000 दे दे, 2000 दे दे। तो ये लोकल मार्केट है, आपको और आगे जाके दिखाता हूँ, कुछ मार्केट्स और होंगे उस तरफ। क्या आपको लगता है यहाँ पर कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है? ये भाई साहब मेरा कैमरा छीन रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे देख के लगता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल यहाँ पे कोरोना वायरस वगैरह कुछ है ही नहीं, आप देख लो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी के पास मास्क नहीं। मैंने इस साल में जब तक मैं आया हूँ मैं एक भी बंदे को नहीं देखा हूँ जिसके पास मास्क है। तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस नाम की चीज़ें हैं एग्जिस्ट नहीं करती है भाई। ये एक मॉस्क है सामने और आपको कुछ इंडियन खाना भी मिल जाएगा यहाँ पे, इंडियन खाना काफ़ी फेमस है यार, कुछ भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, समोसे मिलेंगे आपको, क्या कहते हैं उसे, पकौड़ा मिलेगा आपको यहाँ पे, तो चाय पकौड़ा के साथ मज़ा ही आ जाता है। जैसे ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये जंजीबार का है, जंजीबार का है यार, ऐसा कॉफी पीते हो कभी कभी आना पीने का यार।
बहुत अच्छा ट्रॉफी है। आप कहाँ से हो? ये सोमाली वाला है। ये सोमाली वाला है? अच्छा, इधर का है, यहाँ पैदा हुआ है। आपको हिंदी आती है? थोड़ा। आप कहाँ से सीखे हिंदी? बस ऐसे गली गली में। गली गली में सीख लिया आपने? बहुत अच्छा है भाई। नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम अली है। अली है, अच्छा लगा मिलके आपसे। अली भाई। यहाँ पे कोरोना नहीं है? कोरोना यहाँ कोरोना नहीं है। अभी देख यार, कैसे बैठे हैं हम लोग? अगर ऐसे कोरोना ऐसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। ऐसे बैठेगा। यार मैं उधर हूँ। आदमी ऐसे ही बोलना, कोरोना किधर है? बिजनेस यार, एक बिजनेस है। कोरोना यहाँ पे नहीं है। सही है यार, नहीं है। तंजानिया नहीं है, कहीं नहीं है कोरोना अफ्रीका में। यहाँ डिस्को है, आदमी को डिस्को जाता है। अच्छा, डिस्को भी है यहाँ पर? नमाज साथ में पढ़ता है। सही है भाई, सही है। ये पैराडाइज आइलैंड है। हाँ बिल्कुल। सब जाओ यार, अगर आना है आ जाओ। काफी सस्ता भी है। काफी सस्ता भी है, मतलब क्या है? सस्ता, चीप। चीप है या हर चीज यार? सस्ता है यार, महंगा नहीं। थैंक यू भाई। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे यार। ये छोटी छोटी गलियां, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफी लोग अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लोग हिंदी सीखे हैं वो बॉलीवुड से ही सीखे, क्योंकि बॉलीवुड भाई फेमस है। अभी चल रहा है आईपीएल का सीजन, और शाम को देखता हूँ जिस तरह इंडिया में भीड़ रहती है ना चाय की दुकान पे, वहाँ पे इस तरह भीड़ रहती है, लोग बैठ के आईपीएल देख रहे होते हैं। भाई साहब गजब है, ये एक पूरी कॉस्मेटिक की दुकान है। और भाई जंजीबाड़ में आप हो जाओगे बड़े आराम से, इतनी गलियां हैं यार, इधर से जाओ उधर से निकलो, उधर से जाओ उधर से निकलो, इतनी गलियां हैं, मतलब आप आराम से खो जाओगे। शुरुआती दिनों में तो मैं काफ़ी खो जाया करता था कि ये कहाँ जा रहा हूँ, किधर निकल रहा हूँ, कुछ पर समझ ही नहीं आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे आदत सी हो गई, अब पता चल गया कि गलियां कहाँ है, नहीं है, अब नहीं खोता हूं मैं। लेकिन शुरुआती दिनों में जब मैं पहली बार यहां पर आया था भाई, मैं खो गया था। और यहां पर जब खो जाओगे तो भाई पता करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी गलियां यहां पर। ऐसे ये वाला पार्ट मैंने कभी देखा था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। और जैसे भाई देखो, ये पैलेस्टाइन के बारे में दिखाया गया है, 1946 में पैलेस्टाइन कैसा था, फिर 47 में पैलेस्टाइन कैसा हुआ, 66 में कैसा हुआ, और 2010 में कैसा हो गया है पैलेस्टाइन के बारे में। और इस तरह की छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर, ऐसी दिखती है यहाँ पर घरें, इस तरफ देख लो आप, मतलब गाँव है हमारे तरफ से अगर इंडिया से कंपेयर करें तो एक छोटा सा गाँव है। छत से टपक रही है, इधर देखो पानी टपकते क्या हाल हो गया है। मैं अभी स्टोर टाउन के अंदर घूम रहा हूँ। एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एड्स हियर। तो यहाँ पर टूरिस्टिक प्राइस काफ़ी है यार, जैसे ही पता चलता है कि आप फॉरनर्स हो तो आपसे दुगनी तिगनी जो पैसे रख यहाँ पे वसूले जाते हैं, जो मुझे थोड़ा बेकार सा लगा। मेरे हिसाब से ये इंडिया में भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो जो टूरिस्टिक प्राइस वाला जो सीन इंडिया में चलता है वो यहाँ पर भी है। आप जैसे आप जानोगे कि आप इंडियन हो या कोई आप फॉरनर्स हो तो लोग पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे तरह खराब सा लगा था। बाकी चलो कोई नहीं, अब आदत सी हो गई है। और वो जो इंडियन स्किल है कि आप हर बात पे नेगोशिएट करो, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे कोरोना वगैरह का सीन ही नहीं है, तो कोई मास्क वगैरह नहीं, मुझे मास्क लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है सच कहूँ तो। ये आ गया मैं खुली हवा में वापस से। अभी सोच रहा हूँ जाऊँ एक स्लेव मार्केट, यहाँ से 2-3 जगह आप जा सकते हो, प्रिजन आइसलैंड वगैरह जहाँ पर स्लेव को रखा जाता था। जो जंजीबार है वो एक स्लेव प्लेस हुआ करता था, स्लेव ट्रेड हुआ करता था। यहाँ पर काफ़ी सारे गुलाम लोगों को, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने राज किया है, पुर्तगीज़ ने राज किया है, ओमानी ने राज किया है, इनफैक्ट हमारे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया है। तो चलो मैं चलते चलते पता है कहाँ आ गया, मेरे सामने है एकदम ठीक इंडियन ओशन, भारतीय महासागर मेरे सामने है। ये रहा भारतीय महासागर,
क्या है भाई? ठीक है, व्हाट्स योर नेम? मोहल्लिम, नाइस टू मीट यू मोहल्लिम। ये है ठीक सामने इंडियन ओशन, और ये जो फेरी जाती है दर ए सलाम के लिए, और उधर कुछ कंटेनर शिप लगे हुए मर्स मैट्स की, इस तरफ कुछ एरिया है, देखने में क्या शानदार लग रहा है यार, बताओ। कुछ मुझे मछुआरे मिले हैं, मैं किसी मछुआरे से बात करूंगा और कहूंगा कि साथ में एक लेके जाए फिशिंग करने के लिए, अगर आप पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ जाना है मुझे फिशिंग करने के लिए। तो बात करके देखता हूँ कि मछुआरे लोगों से कैसा रहेगा, जैसे ये नज़ारा है भाई रात। सन पूरी तरह से एकदम आँखों पे आ रहा है, तो मेरे एकदम सामने सन है, और देखने में क्या नज़ारा है भाई, सन का जो रिफ्लेक्शन है वाटर के ऊपर वो एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है देखने में, ये सच कहूँ तो। और ये कुछ बिल्डिंग्स, कुछ म्यूजियम्स वगैरह हैं यहाँ पर, लेकिन सच कहूँ तो मुझे म्यूजियम जाने का उतना मन नहीं करता, मैं उतने हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मुझे याद है मुझे मारियाना मिली थी सर्बिया में, वो एक हिस्ट्री स्टूडेंट थी, तो काफ़ी कुछ बताया करती थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। एकदम ठीक सामने ओशियन के पास जहाँ पर एक मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ आपको, आप दिखा देता हूँ। हालांकि इन सब चीज़ों को मैंने देख चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं यहाँ से पिछले 10-11 दिनों से हूँ, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है यहाँ पर। हो सके मैं 3-4 दिनों के बाद इस आइलैंड पे छोड़ दूंगा और मैं जाऊँगा मेन आइसलैंड, जो मेन लैंड है तंजानिया का, दर ए सलाम जाऊँगा सबसे पहले फेरी लेके। और अभी ब्रेडन आ रहा है, याद है आपको ब्रेडन, जो एक फेमस पियानिस्ट था हाँ यूएस से, वो वापस से तंजानिया आ रहा है, और मैं उसके साथ 2 हफ्ते के लिए घूमूंगा। तो मैं इसकी बात कर रहा था, पकौड़े बड़े आराम से मिलते हैं, काफ़ी सस्ते भी है पकौड़े यहाँ पर, मैं यहाँ पर रोज़ खाता हूँ, काफ़ी सस्ता है यहाँ पर पकौड़े के साथ, वो चटनी वगैरह के साथ अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। और हज़ार लोकल करेंसी का आता है, तो 1000 का मतलब हो गया अराउंड 30 रुपये के आसपास का आता है, जो कि काफ़ी सस्ता है। एकदम सूरज मेरे एकदम ठीक सामने है और काफ़ी चमक रहा है सूरज यहाँ पर। ये मार्केट है जो कि रात को काम करता है, और यहाँ पर जंजीवार पिज्जा जो कि काफ़ी फेमस है। रात को इस प्लेस पे काफ़ी हलचल रहती है, हालांकि रात को मेरे पास GoPro Hero 8 है यार, रात को सही से काम ही नहीं करता, तो रात को आने से कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि आऊँगा दिखाऊँ, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की रात को, लेकिन रात को GoPro एकदम बिल्कुल काम नहीं करता सच कहूँ तो। ये वाला पार्ट है, चलो यहाँ पे कुछ खाता हूँ पीता हूँ। डू हैव टी? हाउ मच फॉर द टी? मेनू black tea with milk. Tea with milk 3000? 2000. You want tea with milk or tea? Tea. Tea. I have tea with milk. It's like very expensive, 3000, yeah? Yeah. काफी चाय यहाँ पर महंगा है यार, 3000, जो कि नॉर्मल जिसकी प्राइस है 200-300 की आ जाती है। वहाँ पे जाके फिर जो लोकल जो शॉप बेचते हैं वहाँ से जाके पीऊँगा। 3000 और 200 में काफ़ी अंतर, 10 गुना का अंतर है। 3000 का मतलब 100 रुपये हो गए, हाँ 100 रुपये के आसपास हो गए, लेकिन यार 100 रुपये इस कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर ये मुझे सर्बिया में मिल रहा होता तो मैं ले लेता, लेकिन 100 रुपये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, 100 रुपये बहुत होते हैं यहाँ पर, 100 रुपये से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो चाहो तो मैंने छोड़ दिया, मैंने मना कर दिया, सीधी सी बात है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो सीधे से मना कर सकते हो भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, क्या बताऊँ, पसीने चल रहे हैं एकदम बहुत ज़्यादा आज तो। और मेरे ठीक सामने एक बीच है, ओ भाई साहब देखो हवा भी चल रहा है, टूट गया ये।
और ये मेरे सामने बीच है, मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ जहाँ पे कुछ लोग ये दिखा खेल रहे थे। ये कुछ आइस जम गए। ये भाई साहब मसाई हैं। पीछे भाई साहब को आपने देखा, वो मसाई कम्युनिटी से हैं, यहाँ पर एक ट्राइब है मसाई कम्युनिटी, तो उनसे हैं। लोकल लोग हैं यहाँ पे। इसे तो वो जा रहे हैं लोग करने के लिए, फेसिंग करने के लिए। ओए हप हप बात ले रहा आपकी हप हप है। जो जंजीबारे काफ़ी लग्जरियस डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर जनरली कपल्स वगैरह काफ़ी आते हैं। हनीमून डेस्टिनेशन है ये, मालदीव्स की तरह। काफ़ी महंगा भी है, अगर ये आप होटल सामने वाला लेते हो तो $150 का पड़ेगा पर नाइट, 150 मतलब 10,000 रुपये। मतलब ठीक ही है, उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ एक बैकपैकर, सो थोड़ा डिफरेंट है मेरे लिए, मैं सस्ते में रहना चाहता हूँ। और ये ऐसा नज़ारा दिख रहा है, अभी सनसेट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ